जैसे मास स्क्रीनिंग हम लोग ने थर्मल तो की, तो उससे जिनको टेम्परेचर था उनको अलग कर दिया, मगर टेस्ट का जो होता है वो स्वाब टेस्ट होता है, उसमें हम लोग वायरस को टेस्ट करते हैं आरएनए को एक्सट्रैक्ट करके। और उसके लिए हमारे भारत में क्षमता भी हम लोगों ने बढ़ाई है उसके लिए, और उस वायरस को टेस्ट करने के लिए ये वायरस का टेस्ट जो है 2 दिन कॉन्टैक्ट के बाद से लेके 14 दिन तक कभी भी पॉजिटिव हो सकता है। यदि आपने आज टेस्ट किया नेगेटिव है, 5 दिन बाद पॉजिटिव हो सकता है, 7 दिन बाद किया तो पॉजिटिव हो सकता है, 14 दिन के बाद यदि आप करें तब नेगेटिव होने की उम्मीद है। इसमें बीमारी का समझना बहुत ज़रूरी है कि इस बीमारी में 80% लोग को हल्का जुकाम जैसा बुखार होएगा और ठीक हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा वो पॉजिटिव हुए नेगेटिव हुए और ठीक हो गए। 20% में कुछ आपको खांसी जुकाम बुखार हो सकता है, जिसमें से 5% को अस्पताल में भर्ती करने की ज़रूरत पड़ती है, और जो 5% अस्पताल में भर्ती होते हैं उसमें उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट दिया जाता है, और कुछ में नई दवाएं आई हैं वो ट्राई की जा रही हैं, उनका भी रिजल्ट कुछ जगह इतना जादू नहीं है, क्योंकि मौतें यहाँ भी हो रही हैं चाइना में, मौतें इटली में भी हो रही हैं, मौतें यूके में भी हो रही हैं, मौतें यूएसए में भी हो रही हैं। जब सारी व्यवस्था है उनके पास, इतने बड़े बड़े देश हैं जिन्होंने बहुत ही तरक्की की है, उनके यहाँ भी वो डेथ को नहीं प्रिवेंट कर पा रहे हैं। तो हम लोग को फोकस करना है कि अगर हम लोग आइसोलेट कर दें उस जो बाहर से आए हैं, उनको 15 दिन के लिए 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दें, और यदि होम क्वारंटाइन भी कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल दूर रखना है, कम से कम 1 मीटर या अलग कमरे में रहें तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। यदि कुछ लोग बच्चे आ गए हैं अपने घर भी चले गए हैं कुछ, तो उनको अलग कमरे में रहना ज़रूरी है।